कन्नौज में गंगा दशहरा पर होने वाले स्नान की तैयारियों में प्रशासन पूरी तरह से जुट गया है। इस दौरान घाट पर गंदगी देख जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा ने डीपीआरओ को फटकार लगाई और सफाई करने के कड़े निर्देश भी दिए। इसके अलावा नदी का जलस्तर नाप बैरिकेडिंग करने के निर्देश दिए। वहीं डीएम ने कहा कि कोरोना काल के बाद हो रहे गंगा दशहरा मेले को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। तो कन्नौज की खबर आपको बता दें, जहां गंगा स्नान की तैयारियों में प्रशासन जुट चुका है। डीएम ने डीपीआरओ को फटकार लगाई है और साथ ही साथ सफाई करने के निर्देश भी दिए हैं। गंगा दशहरा का पर्व है जिस पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हमारे कन्नौज जिले के और कन्नौज से बाहर के काफ़ी लोग यहाँ स्नान के लिए आते हैं। तो उसी व्यवस्था जो है कल स्नान में कोई दिक्कत ना हो, लोगों को सारी तैयारियाँ ठीक से हो जाएं, उसी को देखने के लिए हम लोग आए थे, उसी का निरीक्षण किया था। तो उसी में जो कार्रवाइयाँ की जानी है कि प्रॉपर बैरिकेडिंग हो जाएँ, घाट साफ सुथरे हो जाएँ, लोगों के चेंजिंग रूम अच्छे से बन जाएँ, जिससे कि जो हमारे स्नानार्थी बाहर से आए उनको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो जाए।